नमस्कार, आप देख रहे हो कोल्लम पेस। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है। दरअसल कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने सोने और चांदी की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई है। मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। सोने का भाव फिर से सातवें आसमान पर पहुंच सकता है। इसी को लेकर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने बड़ी रिपोर्ट जारी की है। जानेंगे कब सोने की कीमतों में भारी तेजी आने वाली है, सोने की खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, जानेंगे पूरी खबर के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने कोल्लम पेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले देते हैं और आपका प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब भी हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए तो बात करें सोने और चांदी की कीमतों की, तो सोने के भाव में काफी दिनों से गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें कि बजट के ऐलान के बाद लगातार सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि 1 फरवरी 2021 को जब भारत में बजट 2021 पेश हुआ था तो MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच चुका था और आज सोने का भाव 45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। यानी कि सिर्फ 19 दिनों के अंदर ही सोने के भाव में 2,400 रुपए की गिरावट आई है। वही साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक सोने के भाव में 4,200 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। इतना ही नहीं बल्कि उच्चतम स्तर से अब तक सोने के भाव में 10,200 रुपए की गिरावट देखी गई है। वही जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतों में गिरावट सोने की मांग को तेजी से बढ़ा रही है। लोग सोने को ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, जिससे कि सोने की मांग बढ़ रही है। अगर मांग बढ़ती है तो सोने की कीमतों में आगे और तेजी आ सकती है। कारोबारियों का मानना है कि अभी सोने और चांदी की खरीदारी करने का सही मौका है। सोने का भाव 46,000 से नीचे पहुंच चुका है। कारोबारियों का कहना है कि मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में सोने का भाव 50,000 के आंकड़े पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में सोने की कीमतों में और तेजी मांग की वजह से आ सकती है। चलिए तो अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।